हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? साथ सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों तो यार ये वीडियो में आप सभी के लिए कुछ नए अपडेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लाया हूँ, जो कि यार रिसेंटली इंडिया में रोल आउट होना चालू हो गया है। तो यार सारा इन्फॉर्मेशन के बारे में दोस्तों एक के बाद एक बात करूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यार ये मेरा चैनल है, इसमें जो आपको MIUI से रिलेटेड और टेक्निकल वीडियो जो देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स पाने के लिए। और सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन का जो बेल है वो भी दबा दीजिएगा टाइम पे वीडियो का अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों चलिए दोस्तों अभी बात कर लेते हैं इंडिया में जो लेटेस्ट कौन कौन सा अपडेट जो दिया जा रहा है। तो सबसे पहले तो जो यहाँ पे पोको का C3 जो कि इंडिया वाला वेरिएंट है, उसके लिए जो है एक नया अपडेट रिलीज हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका वर्जन नंबर का अगर बात करें तो MIUI 12 के ऊपर ये बेस्ड है। 12.0.3.0 इसका वर्जन नंबर रखा गया है। इसमें आपको जो Android 10 का सपोर्ट तो देखने को मिलता ही है, और सारे से जो है थोड़े बहुत माइनर बग फिक्सेस और ऑप्टिमाइजेशन इस अपडेट में आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों दूसरा अपडेट का बात करें तो यहाँ पे जो रेडमी का 9 को नेक्स्ट MIUI का जो अपडेट है वो देखने को मिल गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं MIUI का 12.0.3.0 का जो अपडेट है, स्टेबल अपडेट रेडमी का 9 इंडिया वाला वर्जन को देखने को मिल गया है। यहाँ पे जो आप डाउनलोड लिंक्स भी अवेलेबल है, आप यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और ज़रूर से अगर आप जो रेडमी का 9 यूज़ करते हैं या फिर जो पोको का C3 यूज़ करते हैं इंडिया वाला मॉडल, तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको जो है अपडेट रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। ओवरऑल जो अपडेट करने के बाद कैसा रिस्पॉन्स है, फ़ोन कैसा चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, बैटरी बैकअप इंप्रूव हुआ है कि नहीं, तो जरूर से मुझे ये चीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज की तरफ यहां पे बात करेंगे तो Redmi Note 8 यूजर्स के लिए नेक्स्ट न्यूज है। तो बहुत सारे मेरे जो है Redmi Note 8 सब्सक्राइबर्स जो कि मुझे पूछते रहते हैं कि MIUI 12 का जो अपडेट है वो इंडिया में कब तक आएगा। यहां पे दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं Redmi का जो Note 8 है उसके लिए फाइनली ग्लोबल का जो अपडेट है जिसमें आपको Android 10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है वो रिलीज हो गया है। और अभी जो है काफी जल्दी इंडिया में भी सेम अपडेट बन जाएगा। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में अपने बताया रहा कि Redmi Note 8 के लिए अपडेट जो है रेडी हो चुका है और एक दो हफ्ते के अंदर जो अपडेट आ जाएगा। तो अगर आप जो Redmi का Note 8 यूज़ करते हैं तो आपके लिए यार काफ़ी जल्दी इंडिया में अपडेट रोल आउट हो जाएगा। दोस्तों तो ये थोड़ा बहुत न्यूज़ था। बाकी सर फोन्स के बारे में यार अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकला है, लेकिन Redmi का वाई सीरीज़ जैसे कि Y2 Y3 हो गया, उसके बाद जाके Redmi का 7, Redmi का जो 8 है 7A, उसके बाद 6 सीरीज़, 5 सीरीज़, ये सारे फ़ोन्स को जो है अपडेट मिलेगा। लेकिन पहले जो है Redmi का Note 8, Note 7, 7S ये सारे फोन्स को दिया जाएगा, उसी के बाद जाके जो है बजट स्मार्टफोन जैसे कि रेडमी का 7A हो गया, 6 सीरीज़ हो गया, 5 सीरीज़ होगा, वो सबको जो है बाद में दिया जाएगा। दोस्तों तो फिलहाल यार अभी के लिए इतना ही न्यूज़ था। तो जितना भी न्यूज़ था मैंने जो कोशिश की एक ही वीडियो में आपको देने का। जैसे यार फ्यूचर में कोई नया न्यूज़ आता है, कोई नया इन्फॉर्मेशन आता है शामी की तरफ से, आपको मैं उसका भी वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। दोस्तों तो फिलहाल दोस्तों ये वीडियो के लिए ही था। होपफुली यार आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इसी तरह के न्यूज़ और वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन का जो बेल है वो भी बजा दीजिएगा, वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।